तो अभी थोड़ी सी बादल आ गया है, अभी धूप निकल नहीं रही है, बादल छा गया है आसमान पे, इसलिए थोड़ा ठंडी और महसूस हो रही है। और आपको इधर लग्जरी होटल वगैरह भी मिल जाएंगे, आपको सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा होटल मिल जाएंगे। इस समय हम जो रूट है गाड़ियों का ऊपर पहाड़ों पे जाने का, उसी रूट से हम चल रहे हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं इधर, और इधर होटल भी आपको नज़र आ जाएंगे, अच्छे से अच्छे होटल। अगर आप अच्छे खासे पैसे यहाँ बर्न करना चाहते हैं तो भी हो सकता है, अच्छे होटल आप बुक कर सकते हैं और आप यहाँ दो तीन दिन ठहर सकते हैं। बस आपको मनी बर्न करना पड़ेगा और पैसे थोड़े खर्चे होंगे। और यहाँ के जो मैदान है गुलमर्ग के, काफ़ी बेहद खूबसूरत हैं, और इसमें आपको दुम्बे भेड़े वगैरह मिल जाएंगे। और आप जिधर घूमना चाहते हैं टैक्सियों का और उसके बाद में गाड़ियों का सहारा ले सकते हैं। इधर इनको एंट्री करने के लिए इधर शुल्क देना पड़ेगा, गाड़ी लेकर जा रहे हैं, आपको गाड़ी वगैरह शुल्क देनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आप एंट्री कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत माहौल है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। और सबसे अहम बात है, अगर आप गुलमर्ग आएँ ठंडी की वजह से कम जाएंगे, और अगर और ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हैं अपने साथ में पानी लाएंगे तो भी चलेगा। आप हो सकता है अपना डेस्टिनेशन तमंग रोड पे, यहाँ तमंग बस स्टॉप पे बना सकते हैं, या फिर मागम में बना सकते हैं, या फिर श्रीनगर में अपना मेन डेस्टिनेशन कर सकते हैं। आके डायरेक्ट भी आप यहीं यहाँ भी ठहर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कतें नहीं होगी। हम आपको ये जो गुलमर्ग है इसका मैं व्यू दिखाता हूँ अभी, सामने का काफ़ी जबरदस्त। चलते चलते यहाँ पे पहुँचाया हूँ एक ब्रिज के पास में, और यहाँ से थोड़ा करके पानी निकल रहा है। और इधर देख सकते हैं आप भेड़ वगैरह कितना खूबसूरत दिखते हैं, और सब चल रहे हैं एकदम ज़बरदस्त। थोड़ा ठंड है यहाँ, और इस रोड से अभी हम आए हैं और आगे की तरफ जाएंगे। और उधर भी वो देख सकते हैं, उधर थोड़ा अभी जूम करके दिखा रहे हैं, कुछ घोड़े से सवारी कर रहे हैं। और ये आप मुझे देख रहे हैं, और फिर और जूम करेंगे थोड़ा तो आपको वो लोग दिख जाएंगे जो घोड़े का यूज करके और पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ज़बरदस्त व्यू है, अभी उधर दिख नहीं रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे से दिख रहे होंगे, और लोग चढ़ रहे हैं, और कुछ लोग हमारे सामने उधर इधर जिस तरफ हम हैं उस तरफ वो घोड़े से जा रहे हैं, इधर देख सकते हैं। तो भाई के सामने ये भेड़ है, तो ये भेड़ को इकट्ठा कर रहे हैं अभी, तकरीबन इनके पास 1000 भेड़ होंगे जो कि काफ़ी ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह। और ये पूरा दिन भर भेड़ को चराते रहते हैं,
इधर, और अभी हम भाई से बात भी करेंगे और इनसे पूछेंगे यहाँ के बारे में कि कैसा क्या है, कैसी यहाँ की खूबसूरती है। आप देख सकते हैं पूरा दिन भर भेड़ चराते रहते हैं। और भाई से सलाम किए, सलाम का जवाब इन्होंने। भाई आपका नाम क्या है? खादिम हुसैन जी। हाँ खादिम भाई, तो आप इधर पूरा दिन भर भेड़ चराते रहते हैं ना? पूरा दिन भर। आपको यहाँ की जितनी सारी मतलब हिल्स है, पहाड़ वगैरह, सारे हर चीज़ के बारे में आपको पता होगा ना? आपको पता होगा। वैसे हम नए आए हैं, थोड़ा YouTube वगैरह करते हैं, चैनल पे डालते वालते हैं सब, ताकि दुनिया के लोग भी देख सकें कि कैसे कैसे लोग रहते हैं। और माशाल्लाह कश्मीर के लोग काफ़ी अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, जैसा सब लोग सोचते हैं वैसा नहीं है। हमने बहुत लोगों से मिले और बहुत काफ़ी दिन तक वहाँ कश्मीर के लोगों के साथ में थे, बहुत अच्छे से खिदमतदारी उन्होंने की हमारी। अच्छा। और हम काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं तकरीबन इनके भाई की कम से कम आपकी ये कितनी भेड़ें होंगी? हजार भेड़ें हैं। और ये चराया करते हैं, इसे 2 दिन 4 दिन एक एक महीना ऐसे हो जाते हैं फिर ना? जी जी हाँ, तकरीबन 8 महीने हम चराते हैं। 8 महीने ये चराते रहते हैं, इसे जंगल पहाड़ होते हुए इसे रात दिन इनका यहीं गुजरता है, जहाँ रात हो जाती है। बारिश में भी ऐसे, रात में भी इधर पड़े रहते हैं ना? हाँ, इधर ही इसका सब वो सब जो बाल वगैरह होता है वो निकालते उकालते होंगे और ऐसे बेच देते हैं। और ऐसे 8-8, 9-9 महीना ये लोग बाहर ही रहते हैं। आप नोमैड कह सकते हैं जो चराते वराते रहते हैं पहाड़ों पे, जैसा कहाँ काफ़ी पिक्चरों वगैरह में दिखाते हैं कि हाँ ऐसा, तो वैसा ही सेम है। और ये पूरा हिल आप देख सकते हैं इधर, ये एकदम ज़बरदस्त है, काफ़ी खूबसूरत है। जैसा कश्मीर को जन्नत कहा गया है कि कश्मीर जन्नत है, तो जन्नत की हूबहू कश्मीर है। अगर आपको जन्नत जैसा देखना है कोई चीज़, तो आप कश्मीर आइए, कश्मीर खूबसूरत दिखेगी। और यहाँ के लोग भी बेहद खूबसूरत हैं दूसरे राज्यों की तुलना में। हाँ, दूसरे राज्य की तुलना में यहाँ के लोग काफ़ी खूबसूरत हैं। हमने हाँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लोग हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि हम थोड़ा मतलब हिल्स हिल्स देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमें बताएंगे आप कि किधर से जाएँ? हाँ रुक जाइए, अभी कैमरा बंद करते हैं उसके। तो मैं चढ़ते चढ़ते फाइनली इतना ऊंचाई पे आ गया हूँ यहाँ पे, और आप देख सकते हैं ये नीचे रोड आपको दिख रही होगी, ये रोड जो आपको दिख रही है इधर से गई है, काफ़ी नीचे है हमारे। और हम इतने ऊंचाई पे आ गए हैं, कुछ लोग घोड़े वगैरह का सहारा ले रहे हैं, सवारी कर रहे हैं। और आपको नीचे छोटे छोटे दलदल टाइप के दिख जाएंगे, ये सब काफ़ी ऊँचाई पर हैं पहाड़ों से। हम इस समय तकरीबन कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन काफ़ी ऊंचाई पे हैं, क्योंकि जब हमारी बस आ रही थी जो सोमो थी, तो ऐसे हिल की तरह ऐसे उसको बहुत आराम से चढ़ना पड़ रहा था इधर बस को। और इस समय जो यहाँ भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इससे भी ऊंचा पहाड़ एक सामने दिख जाएगा आपको, ये जो कि एकदम सीधा जो बादल है उससे एकदम अटैच है।